डयर स्टूडेंट व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आज हम पोइम नंबर सेवन एन इवनिंग वथ विधरन उसकी आगे की लाइंस को पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में हम इन लाइंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इन चाइल्डहुड आई स्टूड अलोन इन माय कोट And waves of air brought the sound of cymbals. We regret that the days gone by don't return. How to call back times past and gone? The evening prepares to go to sleep in the lap of night. Slowly, softly, just as the skies feet touch the ground. Shadows of trees rest in dark tank. As some passing cloud casts a shadow over hills. तो शायर यहाँ पे इन लाइंस के जरिए पहले तो अपने बचपन को याद करता है इन चाइल्ड हुड आई स्टूड एलून इन माई कोट ही रिकॉल्स द डेज ऑफ हिज चाइल्ड हुड ही रिमेंबर्स द डेज ऑफ हिज चाइल्ड हुड और वो क्या कहता है आई स्टूड एलून इन माई कोट मैं अपने आंगन और सहन में तनहा बैठना पसंद करता था यानी शायर अपने बचपन को याद करता है उससे याद आता कि वो किस तरह अपने आंगन में अकेला बैठता था या अकेला खड़ा हुआ करता था एंड वेव्स ऑफ एयर ब्रॉड साउंड ऑफ सिम्बल्स

वो उस आवाज़ को बेहद पसंद करता था क्योंकि साउंड ट्रेवल होता है और वो कहता है कि जब इसकी वो बजने की आवाज़ आती थी जब इस करताल की जो हवा के साथ इसके लहरें लहरें जो होती थी या इसकी आवाज़ जो थी शायर बेहद इस मंजीरे की आवाज़ को बेहद पसंद करता था और इसीलिए वो कहता है वी रेग्रेट टू फील सॉरी शायर अब काफी पछतावा करता है दैट द डेज गॉन बाय डोंट रिटर्न कि बीते दिन कभी वापस नहीं आते और ये शायर इसीलिए अपने यहाँ बचपन को अपने चाइल्डहुड को याद करता है ही इज हैविंग सम हैप्पी मेमोरीज दीज वायर द डे इज फुल ऑफ प्लेजर शायर इसीलिए अपने बचपन को याद करता है नोस्टेल्जिक फीलिंग अपने बचपन को याद करता है एंड ही इज फीलिंग सॉरी बिकॉज he he in the fourth line how to to call call back back times times past past and gone he finds no way to call back times that are past and gone तो कैसे हम इसको समझाएंगे उससे उस, उस वक़्त को वापस बुलाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है जो बीत चुका है और जा चुका है उस वक़्त को वापस बुलाना ये इंसान के अपनी बस की बात नहीं है और इसीलिए इस तंजा में शायर जो है रिकॉल्स द डेज ऑफ हि चाइल्डहुड वह अपने बचपन के दिन याद करता है ही रिमेंबर उसको याद आ रहा है हाउ ही यूज स्टूड एलून इन हिज कोट यार्ड वो कैसे अपने सहन और आंगन में बैठा करता था और तन्हा बैठता था और उस तन्हाई में भी उसको सुकून मिलता था The waves of air would bring the sound of cymbals being rung somewhere, और जो मंजिरे की वो आवाज़ होती है जो हवा की लहरों के साथ उसके कानों तक पहुंचती है उस आवाज़ को वो बेहद पसंद करता था और बार बार सुनता था। The poet feels sad.

the evening prepares to go to sleep in the lap of night slowly softly as just as the sky's feet touch the ground shadows of trees rest in dark tank as some passing cloud casts a shadow over hills the evening prepares to go to sleep in the lap of night A poetic device to use kiya gaya in lines which is कॉल्ड पर्सनफिकेसन और पर्सनफन क्या टेक्निक होती है ए फिगर ऑफ़ स्पीच और इट्स ए प्रैक्टिस ऑफ गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टू इन एनिमेट और एनिमेट ऑब्जेक्ट्स किसी बेजान चीज़ या जानदार चीज़ को इंसानों के साथ तस्वी देना या ऐसे उनको पेश करना जैसे उन अंदर इंसानों की क्वालिटीज़ है तो ऐसी टेक्निक को हम कहते हैं परसनिफिकेशन अब तो इन लाइंस को हम यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे द इवनिंग प्रिपेर्स टू गुड स्लीप इन द लैप ऑफ नाइट द पोइट हियर डिस्क्राइब्स द कमिंग ऑफ द नाइट इन ए पोइटिक मैनर वो एक शायराना अंदाज से जो शाम है शाम के बाद जब नाइट आती है तो उसको एक अलग से अंदाज में वो बयान करना चाहता है अपने शायराना अंदाज से वो पेश करना चाहता है और क्या कहता है वो कहता है कि शाम रात की गोद में सोने के लिए तैयार हो रही थी और पहले क्या होता है एट डस्क एट सनसेट हम देखते हैं द स्काई सीम्स कमिंग डाउन जैसे सूरज नीचे आ रहा है तो इवनिंग के बाद नाइट आ जाती है और नाइट में डॉक्ट ना एवरीवेयर से अब शायर इसको एक शायरन अंदाज यहाँ पे उसकी तशरी करता है और एक पोइटिक डिवाइस उसने यूज किया है द coming द कमिंग ऑफ नाइट इन manner he says ही the इवनिंग इज preparing टू go to स्लीप इन द लैप ऑफ नाइट वो कहता है कि शाम रात की गोद में सोने के लिए तैयार हो रही है पहले शाम आती है सनसेट और उसके बाद अंधेरा छा जाता है और इसीलिए शायर ने अब कहा है कि शाम जो है रात की गोद में सोने के लिए तैयार हो रही है अब ये रात की गोद जो है इन द लैप ऑफ नाइट इसी को परसिफिकेशन कहा जाता है और लैप की लफ्जी मीनिंग क्या है द लोअर पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट एन एज ए बॉर्डर ए हेम एज ऑफ ए क्लॉथ आगोश में लेना उड़ना अब शाम को रात ने अपनी आगोश में लिया था स्लोली सॉफ्टली जस्ट एज द स्काई फी टच द्राउंड और शायर कहता है और वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स इवनिंग इज़ गिविंग वे टू नाइट अब शाम ख़त्म हो चुकी है अब ये धीरे धीरे रात को अपनी जगह दे रही है क्योंकि फिर रात आ जाती है तो डॉकनस सेपरेट्स डॉक्न रीन्स और शाम जो है वो धीरे धीरे उस रात के अंधेरे में वो गायब हो जाती है शाम जो है वो उस रात की गोद में सोने के लिए तैयार हो जाती है इसीलिए कहता है स्लोली सॉफ्टली जस्ट एज द स्काईज फीट टच द ग्राउंड एज द स्काईज फीट टच द ग्राउंड तो इसीलिए लिए यहाँ पे भी पर्सनिफिकेशन यूज़ हुआ है स्काईज फीट टच द ग्राउंड इट सीम्स एज इफ द स्काईज फीट आर गोइंग टू टच द ग्राउंड स्लोली एंड सॉफ्टली यानी हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा लगता है मानो आसमान के पांव धरती को आहिस्ता आहिस्ता और प्यार से छूने लगे हो कि आसमान के कोई पांव होते नहीं होते तो एक अलग से अंदाज में अपने शायराना अंदाज में शायर कहता है कि जैसे जो आसमान के पांव हैं वो धरती को छू रहे हैं एज स्का टच द ग्राउंड क्योंकि ज़मीन और आसमान हमें रात के वक़्त एक जैसे लगता है जैसे कि आसमान के पेड़ ज़मीन को छू रहे थे क्योंकि ने सेपरेट अब रात आ, आ गई थी तो इसीलिए ये जो है ये यहाँ पे शहर ने कहा है एज स्का टच द ग्राउंड जैसे कि मानो कि आसमान के पाओ ज़मीन को छू रहे हैं टच द ग्राउंड टच द अर्थ आगे जाकर कहता है इस रात के मंजर को बयान करता है शेडोज ऑफ ट्रीज रेस्ट इन डॉक टैंक तालाब अब शायर का मतलब क्या है ऐसा लगता है शायर को मानो ये काले तालाब में आराम करने चले गए हूं क्योंकि दरख्तों का साया जो है वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा है और शायर कहता है वी कैन सी दैडोज ऑफ ट्रीज ग्रोइंग द साइड ऑफ द टैंक टैंक हेयर मीन पौड़ तालाब के किनारे जो दरख्तों के साए वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैंग हाँ अब वो साय नज़र नहीं आ रहे. जैसे वो आराम कर रहे हैं किसी डॉग पौड़ में तालाब में वो परछायाँ अब कब कहीं नज़र नहीं आ रही है और जैसे कि काले तालाब में आराम करने चले गए हूँ वो दरख्त भी कभी अब कभ, कहीं नज़र नहीं आ रहे है. रात के अंधेरे में परछाइयां कहीं नजर नहीं आ रही जैसे ये सारी परछाइयां किसी तालाब में समा गई आगे जाकर कहता है एज समो ओवर हिल्स अब शायर कहता है ए पॉसिंग क्लाउड हैज कॉस्ट इट शेडो ओवर द हिल्स अब शायर कहता है कि जैसे कि गुजरती हुए एक बादल ने जैसे कोई पासिंग क्लाउड होता है अचानक बादल आते आसमान पे और पासिंग क्लाउड एक तरफ से आता है दूसरी तरफ से निकलता है लेकिन गुजरते हुए एक बादल ने अपनी परछाई पहाड़ पर डाल दी है जैसे कि कोई बादल होता है और जब वो गुजरता है वो अपनी परछाई अपनी शेरों पहाड़ पर डालता है और शायर यहाँ उसी अंदाज से कहता है कि जैसे कि एक गुजरते हुए एक बादल ने एक क्लाउड ने अपनी जो शेडो होती है उस साये को उस परछाई को पहाड़ पर डाल दिया है वही समा बयान कर रहा है तो सिंपली इन चार लाइन में शायर जो है इन ऊन वे इन ए पोइटिक मैनर हीज़ यूज डिवाइस ऑफ पर्सनिफिकेशन उसने पर्सनिफिकेशन को यूज़ किया है जैसे उसने क्या इन द लैप ऑफ़ नाइट स्काइज फीट टच ग्राउंड आसमान के तो पेड़ नहीं होते हैं लेकिन आसमान के पेड़ जैसे ज़मीन को छू रहे थे जैसे जो शाम है वो रात की आगोश में या रात की गंद में सोने के लिए तैयार हो रही थी तो इन दोनों जगहों पर शायर ने एक डिवाइस यूज़ किया है विच इज़ कॉल्ड पर्सनिफिकेशन तो आई थिंक इट्स एनअ फॉर टूडे तो कल हम आखिरी के चार लाइन्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे थैंक यू स्टे सेफ़ एंड एट होम